Okay, let's start with the exercise of continuity and differentiability. Exercise 5.1, question 1. Question 1 में आपको दिया fx equal to 5x minus 3. Now see, fx equal to 5x minus 3, basically जब आप इसका graph draw करोगे, now it is a straight line. हम y is equal to fx लेते हैं, we get y is equal to 5x minus 3. Y is equal to 5x minus 3, it is a equation of first degree in y and x. So, it will represent a line. लाइन के केस में आपको पता है कि लाइन जब आप ड्रॉ करते हो इट नेवर ब्रेक्स, कंटिन्यूस वर्क मूव करते जाती है लाइन, सो इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. मोर ओवर इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 एंड हेंस इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल लाइन, ऑल रियल नंबर्स, एंड हेंस इट इज कंटिन्यूस फॉर गिवन पॉइंट्स x = 0, x = -3 एंड x = 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है. ओके, आप इंसर्ट टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है और पॉइंट x = 3 दिया हुआ है. अगेन जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है पॉलीनोमियल है, सो सेम रीजन इट विल बी कंटिन्यूस फॉर कंप्लीट रियल नंबर्स एंड हेंस इट विल बी कंटिन्यूस फॉर द गिवन पॉइंट x = 3. जब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में चार सब क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी. फर्स्ट क्वेश्चन fx = x - 5, अगेन लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंटिंग लाइन, सो इट विल बी कंटिन्यूस फॉर कंप्लीट रियल नंबर्स. नेक्स्ट इज fx = 1 upon x - 5. अब यहां पे आप देख सकते हो कि रैशनल फंक्शन है, ऊपर जो फंक्शन दिया है वो 1 है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है वो x - 5 है. ओके, अब ये डिनोमिनेटर x - 5 ये 0 हो सकता है x = 5 पे, मतलब 5 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, सो दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर्स लीविंग ओनली वन पॉइंट विच इज x = 5. So, it will be continuous on R minus set containing single element 5. मतलब सारे real numbers ले लीजिए, सिर्फ 5 को छोड़ के. अब अगर यहां पे x minus a होता तो यहां पे आता R minus set containing singleton a. Okay, अगर हमारे पास 1 upon x plus, suppose x plus 8 है, x plus 8, तो 0 कहां पे होगा, x equal to minus 8 पे. तो यहां पे R minus set containing singleton set minus 8 आएगा. ओके, नाउ सी दिस थर्ड वन, fx = x square minus 25 upon x plus 5. यार यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला a square minus b square, एडमिटली जो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी की थी. ओके, a square minus b square, ये जो 25 है स्क्वायर ऑफ 5, सो यू गेट x minus 5 x plus 5, दिस x plus 5 एंड अराउंड x plus 5 गेट कैंसिल, यू गेट x minus 5. सी दिस क्वेश्चन एंड सी दिस, दिस टू विल टर्न आउट टू बी द सेम, इट इज सेम एज प्रॉब्लम a, सो नथिंग टू एक्सप्लेन. And fx equal to mod of x minus 5. Modulus function है, it will be continuous. अब यहां पे आप ये कह सकते हो कि theorem second use होता है. Theorem second क्या था? Theorem second was that if f and g are two functions such that we can find the composite function f of g at the point c. If g is continuous at point c and f is continuous at point g c, then the composite function f of g is continuous at point c. ये composite function है. मॉडुलस और लीनियर x minus 5, इनका कॉम्बिनेशन, लीनियर फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस रहता है, मॉडुलस फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस रहता है, सो दिस विल बी कंटिन्यूस ऑन होल रियल लाइन.